बढ़ती महंगाई और खाद्य पदार्थों पर लगी जीएसटी के विरोध में सपा प्रदेश सचिव सुषमा सिंह की अगुवाई में महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कन्नौज कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर कांधे पर सिलेंडर लेकर विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौजूदा समय में है और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो भी कर वसूले जा रहे हैं, जो भी टैक्स लगाए जा रहे हैं, जीएसटी अभी तक सारी चीज़ों पर लगाई गई थी, वो चीज़ें सभी ने स्वीकार की और महंगाई से हर आम आदमी ने सफ़र किया है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब स्थिति इस हद तक पहुँच गई है और महंगाई इस हद तक आसमान को छू रही है कि आटा, दाल, चावल, यहाँ तक कि बीमार आदमी अगर चाहे कि वो दूध भी पी ले, अगर जिसके पास दवाइयों की व्यवस्था नहीं है अस्पताल जाएगा तो दवाइयों पर भी टैक्स लगा दिया गया है। दुगनी तेजी से महंगाई कर रहे हैं। पहले से महंगाई कम थी क्या, जो आज आम आदमी जीने की स्थिति में नहीं रह गया है। पेंसिल, रबड़, कटर, कोई भी चीज़, अगर आप सोचेंगे कि हम अपने बच्चे को एक पेंसिल दिलवा दें तो सरकार अब बच्चों की शिक्षा पर भी लोगों से कर वसूल करेगी। और हमारी मांगे हैं कि सरकार को ये जीएसटी इस हद तक नहीं लगानी चाहिए। आम आदमी के घरों का बजट बिगड़ गया है। जो एक मजदूर सुबह से शाम तक 300 रुपये पे, 350 रुपये पे मजदूरी किया करता है, वो सोचता है कि मैं भी कुछ पैसा बचाऊँ तो अपने बच्चों के लिए कम से कम 2 किलो आटा घर पे लेकर जाऊं, जिससे बच्चों की माँ या कोई महिला खेतों में काम करती है, धानों की रुपाई कर रही है इस समय, तो वो सोचती है मुझे जो पैसा मिलेगा मैं उससे अपने घर का खर्च चलाऊंगी, सरसों का तेल खरीदूंगी, अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदूंगी, अपने बच्चों के लिए विद्यालय की ड्रेस खरीदूंगी या उनके लिए पेंसिल, रबड़, कॉपी किताबें खरीदेंगे, तो उस पर भी सरकार अब कर वसूल कर रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMTNewsFlash।